बैकग्राउंड में बहन का लौड़ा कौन था, ब्लैक डाकू था, आरी सुदान था, खोसड़ी के, तू मेरे बारे में पहले पता कर लियो माधरचोद, घर में घुस के मारूंगा तेरे, तेरे को पता है माधरचोद तूने क्या क्या लाइनें बोली? अभी ब्रो ऐसी ये सब चीजें मत लिखो अभी ब्रो, क्या मॉडरेटर्स नेवर टेक नेम ऑफ एनी यूट्यूबर इन आवर चैट जो हमसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है? मतलब जो था वीडियो में सब सच्चा ही था, कोई झूठ बूट नहीं था। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मेरे पास फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत से न्यूज़ अपडेट है, तो वीडियो को इन तक जरूर से देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो कल के दिन गर्जना फ्री फायर ने खुद बता दिया कि अब की बार का फ्री फायर वर्ल्ड कप होने वाला है ब्राजील के अंदर, एंड करीब 5 साल के बाद ब्राजील के अंदर फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज होस्ट होने वाला है। एंड अगर फ्री फायर इंडिया मार्च तक प्ले स्टोर पे आ जाएगी तो शायद फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के अंदर इंडिया को भी स्लॉट मिल सकता है। एंड लास्ट अपडेट होने वाली है दापी के एफिप के बारे में, जो कि एक काफी पॉपुलर ई स्पोर्ट प्लेयर है। एंड जब कल के दिन एक टूर्नामेंट प्ले कर रहे थे, उसी टूर्नामेंट के अंदर स्टार्टिंग में ही इनकी आईडी को गेम से बाहर कर दिया। एंड गरीना ने ये बोल दिया कि इनकी आईडी के साथ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। एंड आप लोग पता हो कि अगर आप ई स्पोर्ट्स के अंदर हैक का यूज करते हो तो आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी लोग ये बोल रहे हैं कि ये हैक का यूज कर रहे थे, बट कल के दिन अपने चैनल पर लाइव है एंड ये दिखाया कि इनकी आईडी अभी तक बैन नहीं हुई है। एंड इनके दोस्त ने ये बताया कि वो एक सिर्फ गरीना फ्री फायर का ग्लिच था, इन्होंने कोई भी हैक फाइल का यूज नहीं किया था। तो चलिए अब बात करते हैं यूट्यूबर्स रिलेटेड अपडेट वगैरह के बारे में। एंड हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गुल्लू वाईटी वर्सेस ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो आप लोग, मैंने अपनी इस वीडियो में दिखाया था कि गुल्लू वाईटी एक्सपोज कर रहे थे ज्ञान गेमिंग को। वो ज्ञान गेमिंग एक्सपोज वाली वीडियो फुल नहीं थी, बस वो एक टीजर था। एंड टीजर के बाद ही ज्ञान गेमिंग को काफी ज्यादा हिट मिलने लगे थे, बट अभी के टाइम पे गुल्लू वाईटी ने उस वीडियो को अपने चैनल से प्राइवेट कर दिया है। एंड जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे गुल्लू वाईटी, तो मैंने वहीं पे पूछा कि आपने उस वीडियो को प्राइवेट क्यों किया, जो उस वीडियो में दिखाए गए थे सभी चीजें भाई सच थी या गलत थी। तो इसके बाद गुल्लू वाईटी ने खुद रिप्लाई किया इसके ऊपर, एंड क्या कुछ बोला आप लोग खुद देख लीजिए। विराज भाई थ्रू तो ऐसे ही डाला था, ठीक है, बट उसका पूरा टोटल हिस्ट्री वो 1 मिलियन के बाद ही हम डालेंगे, मतलब एकदम 1 मिलियन के साथ उसको अटैच कर देंगे, इसीलिए वो वाला वीडियो हम प्राइवेट कर दिए, ठीक है, क्योंकि सबको बुरा लग रहा था, सोच रहा था भाई मैं एक्सपोज वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, सबका मतलब सोच उल्टा हो गया था, तो इसीलिए 1 मिलियन जो स्पेशल वीडियो रहेगा उसमें हम बता देंगे, ठीक है ब्रो। बट वो बताओ वीडियो कैसा था? बट तुम न्यूज वाले हो तो कवर करोगे, तो बट मत किया करो अभी मिलियन के बाद, अगर कवर कर दिए हो तो भाई बोल देना, ठीक है, उधर जो गुल्लू भाई बाद में 1 मिलियन में उसको वो कर देगा, क्योंकि गुल्लू भाई को सबको लगा जैसे बुरा कुछ, हाँ बुरा कुछ सब सोच रहा था, तो इसीलिए मैंने हटाया, क्योंकि मैं बुरा सोचने के लिए नहीं डाला था, पुराना चीज नहीं डालेंगे, मतलब डाल देंगे जो तो कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया, ये तो मेरे को करीब 3 साल पहले डालना चाहिए था। क्या बोलते हो स्वेगत भाई? कलेक्शन तो ओपी वाला कलेक्शन, हाँ फिर भी मतलब जो था वीडियो में सब सच्चा ही था, कोई झूठ बूट नहीं था ब्रो। बट वो ये बट मैं किसी को हेट के लिए नहीं डाला था, ऐसे ही वो बंदे ने बनाया था, जो गुल्लू भाई एक वीडियो बना रहा तुमके लिए, तुम क्या इसको डालोगे, तो मैं बोला हाँ बना, तो उसने ही सब कुछ किया, मैंने तो बनाया नहीं ब्रो, उसके बाद मैंने किसने बनाया मेरे को पता है, तो मेरे गिल्ड का एक बंदा था ब्रो। एंड गुल्लू आईटी वाली वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक थी, एंड काफी अच्छे रिस्पांस भी आ रहे थे। मैंने ज्ञान गेमिंग एक्सपोज वाली वीडियो का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके रख दिया अपनी वीडियो, आप लोग चाहे देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैं 48 घंटे के बाद उस वीडियो को अपने चैनल से प्राइवेट कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और हम बात करते हैं बिंजाद गेमिंग के बारे में। तो कल जब ये लाइव कर रहे थे तो वहीं पे उन्होंने बताया कि एक बंदा उन्हीं के साथ स्कैम करने के चक्कर में लग गया था फेक सुपर चैट के थ्रू। एंड पूरा मैटर क्या है आप लोग खुद बिंजाद गेमिंग भाई के मुंह से ही सुन लो। जाड़े पे भाई डी, थैंक यू फॉर दी 200 ब्रो, भेजोगे रिक्वेस्ट, बात को इग्नोर मत करो ब्रो, जिस दिन तुम फेक सुपर चैट से सीधे सुपर चैट करने लग गए ना तब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अबे यार हदी है यार, कल पता क्या हो गया, मैं आपको बताना ही भूल गया भाई। अरे एक बंदा है, ठीक है, वो मेरे को फेक सुपर चैट किया था 500 रुपए का, ठीक है, उसने रिफंड, वो ना फेक जो होता है जो नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर रहा है एक दिन से, भाई गलती से 500 का सुपर चैट चला गया, मुझे प्लीज वो 500 रुपए दे दो, ठीक है। अबे एक टाइम के लिए उसने बोला मेरे को जरूरत है, मेरे को घर पे डांट पड़ेगी, मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं था ना बे, अब इतना मैं ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा जरा मैं देखता एक बार कि कौन सा इसने, भाई वहां पे ना कोई भी 500 का सुपर चैट बराबर नहीं था, ठीक है, मतलब मैंने कहा यहाँ तो सुपर चैट ही नहीं, भाई ऐसे लोग है ना भाई, फेक सुपर चैट बेच के बोलते हैं कि भैया घर वालों के पैसे थे दे दो वापस, अरे चोरी करने का हद ही हो गया है भाई, मतलब सही है यार, मतलब समझ रहा हूँ, बट
हरामखोर तो मत बनो भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर। हम बात करते हैं क्लासी एफए वर्सेस बेतु आईटी कंट्रोवर्सी के बारे में। वैसे आप लोग इस कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ी बहुत तो जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया था एंड सबसे पहले वीडियो डालने के बाद भी मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, ये कंट्रोवर्सी उस टाइम ही खत्म हो गई थी जब बेतु आईटी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्लासी एफए को सॉरी बोल दिया था। बट कल के दिन बेतु आईटी ने अपने पे वीडियो ली एंड वहां पे वो काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे थे क्लासी फ्री फायर के टीम के ऊपर, क्लासी एफए के ऊपर नहीं, क्लासी भाई के टीम के ऊपर। मैं आप लोगों को उनकी वीडियो का पार्ट प्ले करता हूं, आप लोग देख लीजिए। वैसे फुल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक मेरे को लिंक भेजा कि ये देखो क्या हैकर लेके खेल रहा है आईडी का। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपने जो बंदा था उसको गाली दिया पहले, जो आईडी से खेलता था मेरी, कि भाई ये क्या हरकतें कर रहा है। तो उसके बाद मैंने एक स्टोरी वगैरह लगाया एंड क्लासी को मैसेज किया कि भाई जो भी हुआ ठीक है, क्योंकि मैंने उसका लाइव स्ट्रीम का क्लिप देखा था थोड़ा सा, कि भाई पैनल लेके मारा एंड उसका गुस्सा वस्ते में उसने बोला कि स्ट्रीक वगैरह तोड़ दी, इतना तक मैंने देखा। तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था। बहुत टाइम से अपन तो वैसे भी सीएस वगैरह उतना पुश करते नहीं है, बीआर के प्लेयर हैं। इस क्लासिक के अपोनेंट में आके जो बंदा खेला था, तो मैं क्लासिक का स्ट्रीम का थोड़ा क्लिप देखा जितना मैंने देखा था थोड़ा बहुत गेम का, कि उसने गाली वाली दिया, बोला हैकर लेके खेल रहा है ये वो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उसके बाद मैं पूरा देखा भी नहीं था ढंग से, मैंने कहा चलो मेरी साइड से मिस्टेक हुआ है, मेरा बंदा खेल रहा था हैकर वगैरह लेके। तो मैं क्लासिक को जाकर फिर मैसेज किया इंस्टा पे, बोल दिया कि ये सीन था, उसके लिए सॉरी बोल दिया कि मेरी साइड से गलती हुआ है। क्लासिक भी मैसेज किया उधर से कि लाइक तुम स्क्रीनशॉट देख लो, कि उसने भी गुस्से में बोल दिया। मैंने कहा चलो कोई ना ब्रो, हो गया इसका, ठीक था। मैंने ज़्यादा देखा, देखता हूँ कि भाई क्या सीन हुआ है। सबसे पहले जो बंदे हेडफोन नहीं लगाया तो हेडफोन थोड़ा सा डाल लो, क्योंकि कुछ चीज़ें 18+ होने वाली हैं। अब दो लाइनें उस मादर चोद के लिए जो बहन का लौड़ा पीछे से बोल रहा था, तेरी माँ चुत जाएगी मादर चोद, साले रंडी के बच्चे, बहन के लौड़े जो तू बोला है ना लाइने मादर चोद, पहले मेरा बैकग्राउंड पता कर लियो जाके साले। बेटा जो तू लाइने यूज किया था, मेरे को नहीं पता बैकग्राउंड में बहन का लौड़ा कौन था, ब्लैक डाकू था, हरिसुदान था, कौन था मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इन बंदों को देखता नहीं हूँ तो मेरे को आवाज का अंदाजा नहीं होता। तो भोसड़ी के तू मेरे बारे में पहले पता कर लियो, मादर चोद घर में घुस के मारूंगा तेरे, मेरे को पता है मादर चोद तूने क्या क्या लाइनें बोली हैं भोसड़ी के, तेरे को अगर भिड़ना हो ना किसी दिन तो ऐसे भी देख लियो और वैसे भी देख लियो जो तूने लाइनें बोली है ना। अगर मैं चाहूँ भोसड़ी के तेरी क्लिप उठा के, तेरी लाइव स्ट्रीम का क्लिप उठा के वहाँ से, अगर मैं अगर तेरे को लीगली भी देखना चाहूँ ना, तो तेरे को पता होगा बॉडी शेमिंग एंड हरेशमेंट सोशल वाला क्या चीज़ें होती हैं, तेरा मादर चोद तेरा करियर चुट जाएगा। गेम को लेके बोला उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, जो सीन था चल साइड में रखता, लेकिन ये बहन के लौड़े अपने क्या बोलूं भाई, ऐसे ऐसे बंदे हैं ना गेम में, दिमाग का पूरा वो कर दिया। अगर तुमने मेरा वीडियो देखे होंगे स्टार्टिंग से लेके आज तक, तुमने मेरे मुंह से गाली नहीं सुनी होगी। अभी ब्रो ऐसी ये सब चीजें मत लिखो अभी ब्रो, किसी और यूट्यूबर का नाम मत लो चैट में, हमें नहीं चाहिए किसी और यूट्यूबर का नाम अपनी चैट में, ठीक है। मॉडरेटर्स नेवर टेक नेम ऑफ एनी यूट्यूबर इन आवर चैट जो हमसे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जो अरे मैक्सा ये सब तो ले सकते हो भाई, ये तो अपने भाई हैं, ठीक है, बाकी नहीं, बाकी कोई यूट्यूबर नाम नहीं लेना है ब्रो, जबरदस्ती गाइस कंट्रोवर्सी होती है फिर, इससे अच्छा भाई अपने अपने में रहो, अपने भाईचारा ऑन टॉप रखो और मजे लो और क्या गाइस। तो चलिए बात करते हैं एक यूट्यूबर स्काई बीन के बारे में, जिनके चैनल पर करीब 1,00,000 से प्लस सब्सक्राइबर थे, बट कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण इनके चैनल को यूट्यूब ने परमानेंटली डिलीट कर दिया। इन्होंने मेरे से हेल्प के लिए मैसेज भी करा था, तो अगर आप लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हो तो इनके सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज कल बस नहीं एंड हाँ, अभी मेरा पीजी का एग्जाम चल रहा है तो भाई मैं इस कारण थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ, 3-4 दिन का वीडियो डाल रहा हूँ एंड थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह भी कम डाल रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। एंड अगर आप लोगों को मेरे से बात करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वहाँ पर हर एक रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। एंड जिन्होंने वीडियो को लाइक किया तो एक लाइक कर देना एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।